NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों ये हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास है और इस क्लास में हम काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट जानने वाले हैं। इस क्लास में हम सबसे पहले हम करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके साथ 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 में डोमेन करेंगे, टाइप ऑफ डोमेन, इसमें कोग्नेटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमेटर डोमेन, प्लस में इसके साथ में दोस्तों लेवल ऑफ टीचिंग भी करने वाले हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और इन सभी से दोस्तों एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हर बार। और इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड 2012 से लेके अभी तक जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और पर्टिकुलर इस टॉपिक से देखने वाले हैं और आगे और जो टॉपिक आएंगे उनके भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000 से 8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। और इसमें दोस्तों जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वही चीज़ें हम देखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं करेंगे, टू द पॉइंट मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। देखिए BS ब्लूम्स द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का मतलब ये है दोस्तों, शिक्षा के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों के वर्गीकरण से संबंधित है, यानी कि शिक्षा में जब हम चीज़ें सीखते हैं तो और अपने जो उद्देश्य है उनको किस तरह से पूरा करते हैं उसको इन्होंने डिवाइड किया है, इसलिए इन्होंने इसको ब्लूम टैक्सोनॉमी नाम दिया है। टैक्सोनॉमी का मतलब ही यही होता है। इसमें देखिए मैं दिखा देता हूँ, यह नाम बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है जो उक्त वर्गीकरण सुझाने वाली समिति के अध्यक्ष थे। और टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण, यानी कि कैटेगराइज करना। और इसमें देखिए इन्होंने जो सीखने का जो स्तर है उसको तीन भागों में डिवाइड किया है। जो भी बच्चा सीखता है, अब देखिए हर बच्चे के सीखने की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, तो इन्होंने सीखने की प्रक्रिया को तीन भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक पे कोग्नेटिव डोमेन, नंबर दो अफेक्टिव डोमेन, नंबर तीन पे साइकोमोटर डोमेन। अब इन तीनों डोमेन के बारे में हम अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे डोमेन ऑफ लर्निंग और मोड ऑफ लर्निंग एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। नंबर एक पे है कोग्नेटिव डोमेन, और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करना, हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इंग्लिश में जैसे कोग्नेटिव डोमेन है, कोग्नेटिव डोमेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम थॉट विचारों की बात करते हैं और थिंकिंग की बात करते हैं। कोई बच्चा जैसे सोचता है, बैठा बैठा सोच रहा है ये काम ऐसे होगा, ये सवाल ऐसे होगा, ये पर्सन ऐसे याद करूँगा, इसके अंदर थिंकिंग की बात होगी, थॉट की बात होगी। और इसमें क्या करेगा बच्चा, यानी कि याद करने की कोशिश करेगा चीज़ों को, इसमें ये चीज़ें होती है। और आगे दोस्तों हमारा अफेक्टिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम इमोशन और फीलिंग की बात करते हैं, इसमें मोटिवेशन की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है, बच्चा क्लास के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, उसके पीछे पढ़ने का क्या मोटिव हो सकता है, उसके पीछे पढ़ने का मोटिव हो सकता है उसको क्लास में फर्स्ट आना हो, और उसके माइंड में ये हो कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मेरे को घर वाले साइकिल लेके देंगे या मेरे को ये इनाम देंगे। तो हो सकता है उसके पीछे सीखने का मोटिव कुछ और हो सकता है।
फिर है साइकोमोटर डोमेन, एक्शन या डूइंग। इसके अंदर जैसे हो गया टाइपिंग, हो गया प्लेइंग, हो गया एक्शन, जैसे उसको कुछ कार्य करना है, कुछ चीज़ सीखनी है। भाई मेरे को तो जैसे पायलट बनना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये चीज़ करनी है, एक्शन की कोई चीज़ करनी है, और एक्शन के जरिए जो चीज़ें सीखता है करके फिजिकली यानी कि प्रैक्टिकली चीज़ें सीखता है, तो उसको हम बोलेंगे साइकोमोटर डोमेन उसको बोलेंगे। और इसके अंदर जैसे हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़े तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या होता है, लर्नर्स एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन ए मीनिंगफुल वे। इसमें देखिए कॉग्निटिव डोमेन जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें हम कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक इसको बोलते हैं, संज्ञानात्मक यानी कि चीज़ों को सही तरीके से समझने का प्रयास इसमें करते हैं, मीनिंगफुल वे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और इसमें कैटेगरी है जैसे नॉलेज आ गया, कॉम्प्रिहेंशन, अप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्यूएशन। ये देखिए इसकी जो आगे जो वो है स्टेजेस है, स्टेजेस भी अभी हम पढ़ने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अभी शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ये, लेकिन जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तो सारा जो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। अफेक्टिव डोमेन के अंदर लर्नर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग दैट आर रिजल्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अब जैसे हमने बात की थी इसके अंदर एटीट्यूड और फीलिंग की हम बात करते हैं, किस फीलिंग से बच्चा पढ़ रहा है वो चीज़ें हैं। और इसमें जैसे कैटेगरी रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, करेक्टराइजिंग, ये चीज़ें हैं। फिर है साइकोमोटर डोमेन, लर्नर्स एबिलिटी टू यूज मोटर स्किल टू लर्न, यानी कि उसके अंदर जो स्किल्स है स्किल्स के जरिए वो सीखने का प्रयास करता है, प्रैक्टिकली चीज़ें कर करके देखता है। उसका मतलब केवल ये नहीं है कि मेरे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने, उसका उद्देश्य ये भी होता है कि मेरे को रियली में कुछ चीज़ सीखनी है, प्रैक्टिकली चीज़ें मेरे को करके देखनी है। और इसके अंदर जैसे हम परसेप्शन सेट्स, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ें होती हैं। और अभी हम इनके बारे में दोस्तों थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये देखिए कॉग्निटिव डोमेन को हम ज्ञानात्मक क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें जैसे हिंदी में आप देख लिया ज्ञानात्मक क्षेत्र, इंग्लिश में कॉग्निटिव डोमेन, और इसको इन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया है। कॉग्निटिव डोमेन को भी आगे 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अब देखिए कॉग्निटिव डोमेन की शुरुआत कहाँ से होती है, नीचे से ऊपर होती है। सबसे पहले क्या है, बंदे को जो भी बच्चा है बच्चे को नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, उसके बाद क्या है अंडरस्टैंडिंग, उस जो उसने ज्ञान हासिल किया है उसको अंडरस्टैंड यानी कि समझने का प्रयास करेगा, उसके बाद में प्रयोग, प्रयोग मतलब उसको प्रयोग में ला के देखेगा अप्लीकेशन, और उसके बाद में एनालिसिस यानी कि जो चीज़ उसने प्रयोग में ला के देखी है उसको फिर एनालिसिस करेगा, भी ये चीज़ करने से ये चीज़ हुई है तो ये चीज़ करने से क्या होगा। और वो क्या है कि चीज़ों को फिर क्या है कि संश्लेषण, जो चीज़ उसने छोटे 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 पार्ट्स में सीखी है उन सभी चीज़ों को वो मिलाएगा। अब जैसे मान के चले जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हम पहले क्या सिखाते हैं, प्लस माइनस, प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, लास्ट के अंदर वो क्या करता है कि वो सभी चीज़ों को फिर वो इकट्ठा करके सीखने का प्रयास करता है। और फिर है मूल्यांकन, इवेल्युएशन, लास्ट में वो उसका हम इवेल्युएशन करते हैं, भाई उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। बच्चा भी खुद देखता है, जब एग्ज़ाम दे के देखता है तो बच्चे को पता चलता है कि उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट में उसके उसको पता चल जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, अच्छा ये देखो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया कॉग्निटिव डोमेन के बारे में, और यहाँ से हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो बोलेंगे कि कॉग्निटिव डोमेन के जो स्टेप है उनको आप सीक्वेंस में लगाइए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से वो बोलेंगे। तो ये हमें स्टेप पता होने चाहिए, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। और उसके बाद में अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर 2 तरह के डायग्राम बनाए गए थे। ये जो डायग्राम है 1956 का है और ये 2001 का बनाया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या था कि जो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई थी वो नाउन के रूप में रिप्रेजेंट की गई थी, और बाद में क्या है कि इनको वर्ब के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। अब जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, सबसे पहले नॉलेज की बात की थी, तो नॉलेज को इन्होंने रिप्लेस कर दिया रिमेंबर से, और फिर कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन को इन्होंने अंडरस्टैंड से रिप्लेस कर दिया,
फिर एक्शन, एक्शन को अप्लाई से, एनालिसिस को एनालिसिस से, और सिंथेसिस, सिंथेसिस को क्या है कि सिंथेसिस को रिप्लेस किया क्रिएट से, और क्रिएट ऊपर ले आइए ऊपर ही ऊपर, और फिर इवेल्युएशन, इवेल्युएशन को यहाँ पे सिंथेसिस की जगह ले आए, इवेल्युएट कर दिया, और यानी कि एक जो दो स्टेप है वो ऊपर नीचे कर दिए यहाँ पे। तो आप इसको देख लेना, इसमें से मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और जैसे सी टेट के एग्ज़ाम है, एच टेट एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और यू जी सी नेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, इसमें ये कोई वैसे कुछ खास नहीं है, अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो यहाँ पे बताई हुई, ये जो सारी चीज़ें ना, ये जो ग्राफ है, ग्राफ यहाँ पे समझाया हुआ है। नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर, ज्ञान में हम विशिष्ट विशेषताओं का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, तथ्यों का ज्ञान, और अलग अलग चीज़ों का ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। और फिर है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग में बोध में हम अनुवाद, अर्थापन वगैरह लेते हैं, कोई चीज़ हमें समझा दी तो उसका क्या अर्थ निकल रहा है, जैसे कई बार श्लोक होता है ना, श्लोक का भावार्थ क्या है, इस तरह की चीज़ें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देखना चाहें तो दोस्तों आप यहाँ से इनको देख सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे हम बात करें दोस्तों, आगे हमारा भावात्मक क्षेत्र या अफेक्टिव डोमेन है। जैसे भावात्मक, अफेक्टिव, भावनाओं की बात करते हैं, इसमें हम फीलिंग्स की बात करते हैं। अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे इसका ये दिखा देता हूँ, ग्राफ दिखा देता हूँ। इसमें देखिए सबसे पहले रिसीविंग होगा, और फिर होगा रिस्पॉन्डिंग, और फिर वैल्यूइंग, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद में करेक्टराइजिंग होगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए रिसीविंग, इसमें व्यक्ति सबसे पहले या सुनने या समझने की भावना रखता है। रिसीविंग यानी कि पहले कई बार होता है ना, बच्चा क्लास में बैठा है और उसको सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता, और कई बच्चे हैं कि बड़े ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर बच्चा सुनेगा ही नहीं तो वो समझेगा कहाँ से, और आगे उसको अप्लाई कैसे करेगा। तो सबसे पहले इसमें आता है रिसीविंग आता है, उसके बाद में रिस्पोंड करना, जो ज्ञान व्यक्ति ने पाया है उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अब जैसे बच्चे ने, बच्चा बैठा बैठा कुछ चीज़ सुन रहे, टीचर बोल रहे हैं कि देखो पांच में से चार गए एक, तो फिर बच्चा ये कहेगा हाँ, इस तरीके से वो अपना सिर हिलाएगा, यानी कि रिस्पोंड करेगा वो, भाई हाँ उसे चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर उसे चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो वो अपना फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और करेगा, वो मतलब अलग तरह से व्यवहार करेगा। फिर है वैल्यूइंग, व्यक्ति देखता है कि जो ज्ञान उसने पाया है कितना लाभदायक है, उसका जीवन में उसका क्या महत्व है, अब वो चीज़ सीख रहा है, जैसे प्लस माइनस करना सीख रहा है, तो वो खुद भी अपने जीवन में लागू करके देखेगा, भाई हाँ हमारे घर में क्या है कि तीन बकरी थी, तीन बकरी में से एक बकरी वो ले गया, अब दो बकरी रहेगी, तो वो उसको फिर उसकी वैल्यू देखेगा, भाई जो मैंने सीखा उसकी क्या वैल्यू है। ऑर्गेनाइजिंग, इस स्तर में मूल्य प्राथमिकताओं का आंतरिक सेट विकसित करना, उन्हें एक सुसंगत प्रणाली में व्यवस्थित करना, ये वही चीज़ आ गई, जैसे बच्चे को हम पहले प्लस माइनस गुणा भाग सारी चीज़ें सिखाते अलग अलग, और फिर वो बच्चा क्या करता, उन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आता है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो। फिर है विशेषताएं, करेक्टराइजिंग, इस स्तर में किसी के आंतरिक मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार रहना शामिल है, इसमें अपने विश्वासों के साथ लगातार कार्य करना, उन मुद्दों पर स्टैंड लेने के लिए तैयार रहना, और जो समय में आप दूसरों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि वो अब जो चीज़ उसने सीख ली है उसी को वो सिद्धांत मानेगा, उसी के अकॉर्डिंग वो फिर आगे काम करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि अलग अलग चीज़ें कर करके वो देखेगा, प्रयोग करके वो देखेगा। तो ये चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और अगला है दोस्तों हमारा इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन है। साइकोमोटर डोमेन के अंदर हम बात करते हैं, क्रियात्मक क्षेत्र है ये साइकोमोटर, क्रियात्मक जैसे प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखना, इसके अंदर ये शामिल है। और इसका और हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, इसमें देखिए सबसे पहले इम्पल्सन होगा, उद्दीपन, और इसके बारे में डिटेल से अभी मैं बताऊंगा। फिर है मैनुपलेशन, हस्तकौशल, फिर है परिशुद्धता, उसके बाद में आर्टिकुलेशन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, और फिर है प्रतिकरण, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा
आसानी से समझते हैं, डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उद्वेपन, इसमें किसी व्यक्ति के कौशल को देख के अपने आप में ढालने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा क्लास के अंदर कोई अच्छी चीज कर रहा है, उस बच्चे को देख के दूसरे बच्चे भी देख करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए क्लास में एक प्रतियोगिता हो रही है, उस प्रतियोगिता में एक बच्चे ने दौड़ लगाई और दौड़ लगाने से उसको इनाम मिला, ठीक है, तो उस बच्चे को देख के दूसरा बच्चा भी यही सोचेगा, यार अगली बार मैं भी तेज दौड़ूंगा, मुझे भी इनाम मिलेगा। तो किसी दूसरे के कौशल को देख के अपने आप में उसको ढालने का प्रयास करना इम्पल्सन कहलाता है। फिर है हस्त कौशल, यानी किसी उपकरण या मशीन के द्वारा प्रयोग कर अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाना। यानी कि जब हम मशीन के द्वारा या किसी उपकरण के द्वारा चीज़ों को करके देखते हैं तो हमें क्या है कि हमें कॉन्फिडेंस हो जाता है, भी हाँ ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, ये चीज़ तो मुझे आ गई है। और उसके बाद में जैसे परिशुद्धता, इसमें जब कोई व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है तो उसमें वो महानता हासिल कर लेता है। यानी कि परिशुद्धता, यानी कि जो काम वो पहले कर रहा था और जब वो बार बार प्रैक्टिस करेगा तो उसमें काफ़ी परिपूर्ण वो हो जाएगा। फिर है आर्टिकुलेशन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, यह भी व्यक्ति के निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। स्पष्ट अभिव्यक्ति यानी कि अब उसे क्लियर कट हो जाएगा, भाई मैं इस तरह से ये काम करूंगा तो इसका ये रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि उसने बहुत बार ये चीज़ें करके देख ली है। फिर है नेचुरलाइजेशन, इसमें काफ़ी तरह की बातें आती है, जैसे कि व्यक्ति अपने कौशल को अच्छे से पहचानने की कोशिश करता है, अपने काम में सुधार करता है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करता है इत्यादि। इसके अंदर वो ये काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करता है। अब बच्चे ने क्या है, बच्चे ने दूसरे को देख के चीज़ों को सीख लिया है, ठीक है, मशीनों के द्वारा उसका प्रयोग कर लिया है, बार बार प्रैक्टिस कर ली है, तो अब क्या करेगा, वो उसमें और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेगा और उसमें वो एक सिद्धांत तय कर लेगा अपना, भाई मैं मशीन से काम करूँगा तो ऐसे होगा, खुद काम करूँगा तो ऐसे होगा, और मतलब उसका क्लियर कट जो है सीन हो जाएगा, भाई ऐसा करने से ये चीज़ें होती है, इसका ये रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर, और अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बने रहना हमारे साथ। उसके बाद में अनुभव की अवधारणा, कोन ऑफ एक्सपीरियंस, ये एडगर डेल ने दिया था 1946 में, और इसमें शिक्षण में दृश्य सर्वे विधियों पर अपने पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक दृश्य उपकरण है, इस मॉडल में सीखने के लिए अलग अलग अनुभवों का वर्णन किया गया है। अब देखिए कोन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि बच्चा कोई चीज़ देख के कितना सीखता है, कोई बच्चा सीख के कितना सीखता है, और अगर कोई चीज़ पढ़े तो उसको कितना चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अभी इसमें हम देख सकते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 10% ऑफ व्हाट दे रीड, जो बच्चा रीड पढ़ रहा है ना उससे केवल वो 10% सीखेगा। 20% ऑफ व्हाट दे हियर, 20% वो सुनने से सीखेगा, क्लास में कोई सुना रहा है तो उससे 20% सीखेगा। 30% ऑफ व्हाट दे सी, 30% वो कब सीखेगा, जब वो चीज़ों को देखेगा, वीडियो देखेगा या इमेजेस देखेगा। 50% ऑफ व्हाट दे हियर एंड सी, 50% वो उस चीज़ को सीखेगा जो सुन भी रहा है और देख भी रहा है, दोनों काम उसमें वो कर रहा है। 70% ऑफ व्हाट दे से एंड राइट, 70% वो कब सीखेगा, जब वो जैसे हैंड ऑन एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि खुद चीज़ों को करके देखेगा। डिज़ाइन कोलैबोरेटिव लेसन, एक दूसरे के साथ रह के यानी कि ग्रुप में वो चीज़ें करके देखेगा तो उससे वो सीखेगा, ठीक है, जब खुद प्रैक्टिकली करेगा। 90% ऑफ व्हाट दे डू, सिमुलेट और मॉडल ए रियल एक्सपीरियंस, डिजाइन परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या है कि 90% बच्चा कब सीखता है, जब उसे कोई चीज़ सिखाई गई है और वो चीज़ वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखेगा और उससे जब उसे रिजल्ट प्राप्त होगा तो ही उसको जाके मतलब अच्छी चीज़ें, पूरी कंप्लीट चीज़ सीखने को मिल जाएगी। जब तक बच्चा रियल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करेगा वो 100% चीज़ें नहीं सीख सकता। तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है।
और लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण के स्तर लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। लेवल ऑफ टीचिंग में तीन तरह की टीचिंग है हमारी, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। और इसमें बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए, अभी बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो इसको मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे शब्द बताऊंगा जिनको देख के आप बिल्कुल आसानी से अपना आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेमोरी लेवल की बात करते हैं, ठीक है। मेमोरी लेवल के अंदर क्या होता है दोस्तों, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के मुख्य रूप से तीन स्तर माने गए हैं। स्मृति स्तर जिसको मेमोरी लेवल भी कहते हैं, यह स्तर किसी भी ज्ञान को अभ्यास करने और उसको कंठस्थ करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे पहले हार्वर्ड ने इसके बारे में बताया था, ये यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि इसके बारे में किसने बताया था, हार्वर्ड ने इसके बारे में बताया था। और मेमोरी लेवल, मेमोरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसमें हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करते हैं। और इसमें किन किन कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे थॉट हो गया, जैसे हमारे कुछ थॉट हो गए, विचार हो गए, प्रेजेंटेशन, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स। अब जैसे इसमें क्या है कि स्मृति स्तर, स्मृति क्या होता है, स्मृति मतलब याद करना, मेमोरी, मेमोरी भी क्या है, याद होती है ना हमारी मेमोरी। तो इसके अंदर क्या है कि चीज़ों को हम याद करने का प्रयास करते हैं, प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स भी इसके अंदर आता है। अब देखिए हम किसी चीज़ को याद कैसे कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, अब टीचर हमें क्या कहते थे क्लास के अंदर, भाई किसी भी चीज़ को तुम्हें याद करना है तो आप उसको समझ लीजिए, रट्टा मारने से चीज़ें याद नहीं होती, ये टीचर हमें बोलते थे ना। तो अब देखिए सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, अगर हम फैक्ट्स को सीक्वेंस में लगा लेंगे तो वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसको रटेंगे तो चीज़ें हम जल्दी भूल जाएंगे, ज़्यादा समय तक वो हमें याद नहीं रह पाएगी। तो ये है हमारा मेमोरी लेवल के अंदर। और मेमोरी लेवल के अंदर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं बता रहा हूं आपको, जहां पे आपको थॉट एंड आइडिया दिखाई दे, प्रेजेंटेशन दिखाई दे, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स दिखाई दे, वहां पे मेमोरी लेवल आपका आएगा। अभी हम बहुत क्वेश्चन करने वाला, बहुत मजा आने वाला यार, आप देखना मजा आ जाए आपको। आगे है ग्रहण या अवबोधन स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इस लेवल पर बच्चा प्राप्त ज्ञान को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। और इसमें क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब समझने का प्रयास करता है, चीज़ें हमने याद तो कर ली, अब उसको हम समझेंगे, भाई ये चीज़ ऐसे होती है तो क्यों होती है। और जैसे हम प्लेन हैं, अब टीचर ने बता दिया भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, और उसने बता दिया कि इसी से हवाई जहाज़ उठता है, फिर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे है, पूरी चीज़ अंडरस्टैंड करने का प्रयास हम करते हैं, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले मॉरिसन ने बताया था, ये भी हमारा एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको, सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, जो हमने फैक्ट्स है उन फैक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट के साथ में, तो उन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट एंड आइडिया, अब देखिए किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझेंगे, जब उसके एग्जाम्पल हम देंगे किसी को, या कोई व्यक्ति हमें एग्जाम्पल देगा तभी हम चीज़ों को समझ पाएंगे, या उसके बारे में कुछ आइडिया देगा, विचार देगा, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो जहाँ पे भी आपको ये देखिए रिलेशनशिप अमंग फैक्टर, सॉरी रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्टर, ये चीज़ आपको दिखाई दे, यानी कि पैटर्न, देखिए किसी चीज़ का हमें पैटर्न दे दिया, 2, 4, 6, 8 आगे क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, अब पैटर्न बन गया ना, सभी में 2-2 का अंतर है, 2-2 का डिफरेंस है, तो आगे हम अपने आप बता सकते हैं इसका आंसर 10 आएगा आगे, ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे एक पैटर्न समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको दे दिया जाए 3, 17, 4, 8 और 22 ऐसे दे दिया, इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, आगे हम क्या जवाब दें, तो इसका ये कोई समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पैटर्न होना चाहिए, उन जो फैक्ट्स हैं हमारे उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, या फिर हमारे कुछ, हमें कुछ एग्जाम्पल हो हमारे पास, तभी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं विमर्श या चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल भी इसको हम बोलते हैं, इसको शिक्षण का उच्चतर स्तर माना जाता है। इसके बारे में सबसे पहले हंट ने बताया था,
इस स्तर पे बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित किया जाता है ताकि वह अपने जीवन की समस्याओं को आसानी से सुलझा सके। अब देखिए रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि विचार विमर्श या चिंतन स्तर, यहाँ पे हम बच्चा क्या है कि खुद जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने का प्रयास करता है, सोल्व करने का प्रयास करता है, क्रिएटिविटी उसमें लेके आता। अभी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर सकता हूँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जो मिस्त्री लोग होते हैं वो कई औजार बनाते, वो ऐसे औजार बना देते, वो बिल्कुल अलग औजार होते हैं, वो नई चीज़ बनाते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर लगाते हैं। इसी तरीके से कई बार आपने बच्चों को भी देखा होगा, बच्चे भी एक नई चीज़ बना देते हैं अपनी समझ के अनुसार। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर बच्चे में सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है ताकि उसके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन वो खुद कर सके। तो इसमें कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो हम देखते हैं। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगा और ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर कंटेंट होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम होगा, आर्ग्यूमेंट वाद विवाद हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आएगा, जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वाद विवाद विमर्श होगा, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा आएगा जी। तो इनसे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, और जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है वही चीज़ें इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये देखिए जैसे मेमोरी लेवल के अंदर क्या है, स्मृति स्तर, इसमें कंठस्थ करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मौखिक और निबंध प्रश्न शामिल होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। जो ऊपर बताए मैंने वही चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे नीचे दी गई है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं जी। तो दोस्तों अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें जी, क्वेश्चन करना चाहेंगे जी। तो चलो देखते हैं भाई आपने कितना कुछ सीखा है यहाँ से, और अभी हम 2012 से लेके अभी तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप देखना फटाक से आप आंसर देंगे इनका, मैंने जो कीवर्ड्स बताए उन्हीं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है जी। और दोस्तों अगर आपको ये स्टडी नोट्स चाहिए ना तो आप स्टडी नोट्स ले सकते हैं, हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर लेना, या फिर आप हमें ये व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है देखिए फॉर कंप्लीट स्टडी पेपर वन और सेकंड के लिए आप हमारी वेबसाइट nimiji.net भी विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब देखिए ये बात आ रही है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी का हाईएस्ट लेवल क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे नोविंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवेल्युएटिंग, अब ये क्या है, मूल्यांकन करना, डी। ये मैं दिखाऊँ आपको, देखिए कॉग्निटिव लेवल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम पीछे करके आए हैं, ये देखिए कॉग्निटिव के अंदर हाईएस्ट लेवल क्या है, हाईएस्ट लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक मिनट रुकिए, हाँ ये देखिए, ये देखिए हाईएस्ट लेवल क्या है, इवेल्युएशन है इसके अंदर। लोएस्ट लेवल क्या है, कहाँ से बात शुरू होती है, नॉलेज से हमारी बात शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होते हैं, इवेल्युएशन पे हमारी बात ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, और आगे हम देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आगे हमारा लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। अब देखिए हमने बात की थी मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल के अंदर क्या है, हम चीज़ों को याद करने का प्रयास करते, स्मृति स्तर बोलते हैं ना इसको, तो इसके अंदर क्या आएगा हम देखते हैं इसके अंदर। देखो एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, अब देखो क्रिटिकल थिंकिंग की बात किसमें की थी हमने, क्रिटिकल थिंकिंग रिफ्लेक्टिव लेवल था ना, रिफ्लेक्टिव क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, और फिर है एटीट्यूड की बात किसमें की थी, फीलिंग्स की बात किसमें की थी, फीलिंग्स और एटीट्यूड की बात हमने किसमें की थी, चलो देखते हैं इसमें भी। और फिर आगे हम देखते हैं रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज ऑफ फैक्ट्स, अब देखो रिकॉलिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉलिंग याद करना दोहराना, रिकॉग्नाइज का मतलब है याद रखना, रिकॉग्नाइज याद रखना, फैक्ट्स को याद रखना, तो ये किस में आएगा हमारा, मेमोरी लेवल में आएगा, है ना। उसके बाद में हमें एनहांस स्कोप ऑफ सीकिंग रिलेशनशिप एंड मीनिंग, अब ये देखो एनहांस स्कोप
फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग। अब देखिए रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं हम, विद दो फैक्ट्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है उनका, तो उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो वो किस में आएगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में आएगा, अंडरस्टैंड करने का प्रयास हम करते हैं। तो अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर एक दिया है, एक में क्या है, ए का थ्री है, ए का देखिए मेमोरी लेवल का थ्री है ना, ये एक दो तीन थ्री हो गया। उसके बाद में हम बी का, बी की बात करते हैं फोर, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। उसके बाद में सी का वन, सी का और रिफ्लेक्टिव के अंदर हम किसकी बात करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, है ना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम आंसर दे रहे हैं जी, तो बिल्कुल आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। अब ये देखिए ये क्वेश्चन हमारा आया था, पीछे आया था 2018 में, और अगला क्वेश्चन है 2019 में है। अब देखिए इसके अंदर भी वही चीज़ें हम देखेंगे जो हमारे कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड्स हम देखेंगे। अब देखिए रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, अब देखिए रिकॉल, रिकॉल मतलब चीज़ों को याद करना, और याद किस में हम करते हैं, याद किस में करते हैं, भेजे में, बुद्धि में, माइंड में, मेमोरी में, है ना। तो याद करना मतलब मेमोरी लेवल हो गया हमारा। उसके बाद में आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ए गिवन कॉन्सेप्ट, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ गिवन कॉन्सेप्ट, एग्जांपल की एग्जांपल के जरिए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जहां पे एग्जांपल हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। चलिए मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ चीजें, रुकिए, ये है हमारा ये रहा, एक मिनट रुको, ये देखो ये रहा मेमोरी लेवल है यहाँ पे हमारा, ठीक है मेमोरी लेवल। और इसके अंदर क्या है, मेमोरी में थॉट एंड आइडिया की बात हम कर रहे थे, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स की बात कर रहे थे। अब देखिए अब हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है, ये देखो एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्स, ठीक है जहां पे एग्जांपल आएगा वहां पे अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा आएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कीवर्ड्स दिए हुए हैं, इन कीवर्ड्स के जरिए आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल आएगा तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगा, फिर आएगा हमारा ये देखिए क्रिएटिव लेवल के अंदर क्या होता है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, नए आइडिया का आइडिया को लेके आते हैं, तो ये हो गया। तो अब इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। फिर रह गया हमारा ये सी, ये है आइसोलेट इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, पार्ट्स में चीज़ों को डिवाइड करना, ठीक है एनालिसिस करना। तो अब ये देख सकते हैं आप इसका राइट आंसर क्या है, तीन एक चार दो, देखिए तीन एक और चार दो, यही इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान के चलिए अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन ले लो, देखो एम्फासिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग, मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल के अंदर हम क्या क्या कीवर्ड्स करके आए हैं वो कीवर्ड्स इसके अंदर देखो, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट एंड आइडिया, अब देखो इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थॉट और आइडिया को हम, ठीक है इकट्ठा करके उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ये हो जाएगा इसके अंदर। फिर है इसमें जैसे हम बात करें है हमारा एक मिनट, मेमोरी लेवल, सॉरी मेमोरी लेवल की बात कर रहे थे ना हम, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ थॉट एंड आइडिया, हाँ थॉट एंड आइडिया की हम बात करते हैं इसके अंदर, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है समझने का नहीं, मेमोरी लेवल की बात कर रहे हैं, मैं गलत बोल गया था वहाँ पे, मेमोरी लेवल के अंदर थॉट एंड आइडिया की बात करते हैं। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की बात की थी, प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्यूक रिप्रोडक्शन, ठीक है ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद में हमने क्या कहा था, मास्टरी ऑफ करेक्ट सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, अब ये देखो सिक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, हम चीज़ों को याद कब कर पाएंगे, जब चीज़ें हमारे सिक्वेंस में दी हुई होगी तो हम उनको अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर, और आगे हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर, अब देखिए अब बात आ रही है आगे एक क्वेश्चन है 2020 का, इसमें है अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आ रही है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, चीज़ों को समझना, और समझते कैसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं, और उनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है रिलेशनशिप अमंग फैक्ट एंड आइडियाज़ देखते हैं। तो कई चीज़ें इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या इसका आंसर हो सकता है
जी अब ये देखिए, सभी ऑप्शन हम लेके चलते हैं। देखिए जैसे टीचर टेक्स द इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर इंस्ट्रक्चर टू वेरियस यूनिट एंड कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन बाय द स्टूडेंट। अब देखिए इसको हम एक बार छोड़ देते हैं, भाई हमें नहीं पता इसका ये सही है या गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, इट इज़ बेसिकली डिवोटेड टू हेल्पिंग स्टूडेंट इन सीइंग रिलेशनशिप एंड टूल यूज ऑफ ए फैक्ट। अब ये देखिए रिलेशनशिप की बात आ गई तो ये आ गया हमारा एक, तो ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे इट इज डायरेक्टेड एट प्रॉब्लम राइजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात किस में हुई थी, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर हुई थी, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये हमारा नहीं होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव लेवल में। उसके बाद में हम बात करते हैं इट इज एम्ड एट कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ आइडिया एंड फैक्ट्स, यानी कि जो हमारे आइडिया और फैक्ट है उनका कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं, उनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर है आगे हमारा द पर्पज इज टू प्रमोट ऑटोनोमस इन द लर्निंग प्रोसेस थ्रू सेल्फ रेगुलेशन, ये इसका नहीं होगा। तो ये देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। और एक और मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे जैसे यही देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम आर इंटेंडेड इन टीचिंग ऑर्गेनाइज एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये सारे के सारे आप ऑप्शन देखो, लॉन्गर रिकॉल एंड रिटेंशन। रिकॉल किसके अंदर हम करते हैं, मेमोरी लेवल में करते हैं, तो इसलिए ये नहीं आएगा। फिर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप एंड पैटर्न अमंग फैक्ट्स, अब देखिए तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना, ये तो हम देखते हैं ना अंडरस्टैंडिंग लेवल में। हम किस चीज़ों को कब समझ पाएंगे, जब चीज़ों के बीच में हमें रिलेशनशिप पता चल जाएगा, ठीक है। और क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिविटी की बात किस में करते हैं, हम क्रिएटिव की बात तो हम रिफ्लेक्टिव लेवल में करते हैं, तो इसलिए ये नहीं होगा। मास्टरी ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं जी। तो अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें से और क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन है भाई, आप इनको देख सकते हैं, बहुत क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, हमने 2012 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज अलग अलग किया हुआ है हिंदी इंग्लिश में, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं जी। तो अभी हम लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाने वाला हूँ आपको। अभी देखिए जैसे हम बात कर रहे थे एटीट्यूड ऑफ टीचर दैट अफेक्ट टीचिंग पैरेंट्स टू, अब देखिए शिक्षण की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं। एटीट्यूड की जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पे कौन सी डोमेन होती है हमारे, अफेक्टिव, कोग्नेटिव, कनेक्टिव या साइकोमोटर। अब देखिए साइकोमोटर के अंदर किसकी बात कर रहे थे हम, साइकोमोटर के अंदर जैसे छोटा सा यही लगा लो लॉजिक है मोटर चलाने की बात किसी में होती है, प्रैक्टिकली बात करते हैं तो वो होता है साइकोमोटर में, मतलब मोटर चलाना, सीखना चीज़ों को, स्किल सीखना, ठीक है। फिर है कोग्नेटिव डोमेन, और कोग्नेटिव डोमेन के अंदर है ज्ञानात्मक क्षेत्र है ये, इसमें हम नॉलेज की बात करते हैं। और फिर है अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन के अंदर हम भावना की बात करते हैं। आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं, देखिए भावनात्मक क्षेत्र से, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं भाई। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। अब देखिए हाइएस्ट लेवल क्या है कॉग्निटिव डोमेन का, एक मिनट, ये दो क्वेश्चन अलग अलग है, चलो कोई नहीं, ये तो हम करके आए हैं। हाइएस्ट क्या है, इवेल्यूएशन है, सबसे ऊंचा स्तर, हमने ये किया था ना आपको याद है, ये देखो ये किया था इस तरह से, उसमें क्या था नीचे क्या था नॉलेज था, और ऊपरी ऊपर क्या था, सबसे लास्ट में क्या है इवेल्यूएशन हम करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं भाई। और उसके बाद में हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से, ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे,
ये देखिए, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज हॉलमार्क। अब क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल किस में करते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आ रहा ना समझ में दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, कुछ आज नया सीखने को मिला है, रियली में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ, क्या कुछ भेजे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, बताना ज़रूर भाई। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें, जैसे ये देखिए, ये 2022 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आए हैं। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं, हर क्वेश्चन का नीचे हमने लिखा हुआ है डेट वगैरह। ये 24 नवंबर 2021 को क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाइएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या है इसमें दिया है, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर हम बच्चे को इतना काबिल बना देते हैं कि वो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। और ये क्वेश्चन हमारा 2022 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लर्निंग एज ए सिक्स लेवल हायरार्की इन ए कॉग्निटिव डोमेन। अब देखो, कॉग्निटिव डोमेन की हम बात करके आए हैं, उसमें 6 हमने स्टेज देखी थी, तो वो किसके किसने बताई थी उसके बारे में, किसने वो रिप्रेजेंट की थी, तो हमने अभी पढ़ा था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। देखिए दोस्तों, किस तरह से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। और ये देखिए, ये फिर से 2022 का क्वेश्चन है यहाँ पे, और सभी क्वेश्चन करवा पाना मेरे लिए एक क्लास में मुश्किल है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपको एक स्टडी नोट्स चाहिए, एक क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमारी ऐप निमिज नेट डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये स्टडी नोट्स और पेपर सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो कोर्स भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, सारी चीज़ें आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगी जी। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, विच थ्योरी एंड थ्योरिस्ट आर एसोसिएटेड विद लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, तो इसका राइट आंसर है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये देखिए, ये हमारा 2023 में क्वेश्चन आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन 2023 के भी करवा रहे हैं हम इसमें। ये देखिए, फिर से 2023 का क्वेश्चन है, और ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवाए हुए हैं। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल का फिर से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है यहाँ पे, सभी क्वेश्चन एक क्लास में करवा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर 1 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर 2 पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर 3 पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर 4 पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 5 पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग, मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर 6 पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर 7 पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।